गेहूं और सरसों के बाद अब मंडी में जौ का जलवा नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मंडी में कई बदलाव देखे गए हैं। ऐसे में जौ आयात बंद होने के कारण बियर फैक्ट्रियों में जौ की सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की मांग है, जिस वजह से जौ का दाम MSP से भी दोगुना बढ़ गया है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि माल्ट की कीमतें भी जल्द बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर बियर के दामों पर देखने को मिल सकता है। यह निश्चित अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बियर के दामों में बढ़त हो सकती है। आपको बता दें कि जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 1635 रुपये प्रति क्विंटल सरकार द्वारा तय किया गया है, लेकिन मंडियों में यह 3000 रुपये प्रति क्विंटल के पार जाता नजर आ रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की बात की जाए तो यहाँ इस बार जौ का रकबा काफ़ी कम है। नकदी फसल गेहूं और सरसों पर किसान ज़्यादा जोर देते हैं। पिछले कई वर्षों से भाव अच्छा नहीं मिलने के कारण अधिकांश किसान जौ की खेती से पीछा छुड़ाते नजर आने लगे हैं। रेवाड़ी जिले में जौ का रकबा धीरे धीरे सिमट कर 2000 हेक्टेयर के आसपास थम गया है। पिछले कुछ वर्षों में जौ की आवक 23,700 क्विंटल दर्ज की गई थी, वहीं इस बार कहानी कुछ और है। खालियावास माल्ट फैक्ट्री और अनाज मंडी में 1.5 लाख क्विंटल जौ की आवक अब तक हो चुकी है। जौ की बिक्री में देखी जा रही है कि तेजी का सबसे बड़ा कारण इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है। यूक्रेन देश को जौ का बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ऐसे में यूक्रेन रूस युद्ध होने के कारण जौ के आयात में कमी देखी गई है और डिमांड तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में जौ की कीमतों में और उछाल आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिस वजह से बियर के दामों में भी आगे भविष्य में बढ़त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।